मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदल कर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए, ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो ध्वनि भरी, आप ये सब क्या चल रहा है? डब्बू, तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा, तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचूं? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आग के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान का है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान का है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम, इसमें है विवान। What nonsense? विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है, हाँ इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हूँ तो तुम मान नहीं रही हो। तुम कुछ भी बोलोगे अब मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ मेरा भाई कहाँ है? अरे मैं नहीं पता घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अरे दीपू भैया प्लीज इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम मन नहीं आया। बस बहुत हो गया, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है। अरे आने दिया दीदी, प्लीज रोक गए इस दर्द में, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। ये तो विवान की आवाज है, इसका मतलब सच में विवान इसके अंदर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विवान इतना बड़ा है, ये इतना छोटा सा, इसके अंदर विवान कैसे आ सकता है? सब क्या चल रहा है? विवान बनने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, सिर के बल खड़े हो जाओ। क्या मैंने हिमक्रीम खाई तो आप मुझे धरतीवासियों जैसा दंड दे रही है क्या? विवान खोल दरवाजा। हिमक्रीम खाने से सिर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है, अब सिर का तापमान बढ़ाने के लिए और जादू का असर दोबारा करवाने के लिए तुम्हारे सिर में रक्त का बहाव बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर के बल खड़े होना ही पड़ेगा ना। अरे तो ऐसा बोलिए ना, मुझे लगा आप तो मुझे उल्टा लटकाने वाली है। जल्दी करो, ये लो, करो करो। विवान संभालो संभालो, विवान बाहर आ जा जल्दी से, वरना आज तेरी कान खिंचाई पक्की है, समझ रहा है ना? दोबारा कोशिश करो। ठीक है, देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलता, मैं भी यही खड़ी हूँ। विवान क्या तोड़ दिया तूने? टूबा टूबा, मैंने कहा था ना ध्यान लगाओ। और मैं कह रहा हूँ बाल परे कि आप मेरे बजाय बाहर जो करुणा जी बैठी है उन पे ध्यान लगा, अरे उनसे डर के कारण मेरा ध्यान हट रहा है। वो विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था जिन्हें तिमनासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था, लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है और इस समय मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। इसका मतलब विवान आज इस सिचुएशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। अगर मैंने इस गोले को संभाल के रखा होता तो आज विवान इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अरे ओ हेलो, सॉरी सॉरी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, गलती से हो गया है, तो ये सब में परेशान मत हो बल्कि स्माइल करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल सूट करती है।
और अब तुम्हें इस सब के बारे में पता चल चुका है तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हो, है ना? बालवीर, विवान के घर पर तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आ जाओ वरना डूबा डूबा पकड़ा जाएगा। दोनी बड़ी, आप अपनी शक्तियों से उस आवाज के बारे में पता लगाई, तब तक मैं और अनन्या घर पे माँ से मिलकर आते हैं। अब चलो अनन्या। विवान, विवान तू निकल रहा है कि नहीं बाहर? विवान, तोड़ो दरवाजा। क्या मुझे माफ कर दीजिए बालपुरे, मुझसे नहीं होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, हमें ये करना ही होगा। कहूंगा मैं। विवान, दरवाजा खोल! विवान, खोल दरवाजा! विवान, विवान बाहर निकल वरना बता रही हूं तुझे बहुत पिटेगा। विवान, खोल दरवाजा! अरे माँ 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 मा, आप अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब आरती करने का टाइम जा रहा है ना? अरे हाँ, पूजा का टाइम भी हो गया है। पर ये विवान है ना, बदमाशियां करे जा रहा है, खोल नहीं रहा है दरवाजा। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे कान खींच के डांटना है इसे। अब माँ, विवान को तो कभी भी डांट सकती है। अब आरती का टाइम निकल गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी ना। और जैसे अनन्या बिना टाइम देखे कभी भी मुझसे लड़ लेती है, वैसे आप भी विवान को कभी भी डांट सकती है, है ना? हाँ, ये भी सही है। आरती के बाद देखते हैं। हाँ। अब चलो। हाँ? ओ हेलो, मैंने कब बिना मतलब के तुमसे लड़ाई की? बताओ जरा, बोलो। बोलो। अरे अभी अभी क्या कर रही हो? बिना मतलब की तो लड़ाई कर रही हो। अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अच्छा, जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी। पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है। असली विमान को उस गोली से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं, अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनी बरी। आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये चीख कैसे आ गई? अगर फिर से चीखाई तो जिस जादू से मैं विवान बनाऊं तो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी, ये दिए में घी कम है। हाँ। इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या?
सॉरी। बोलो नहीं, सुनो, ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तो यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। बस आखिरी रास्ता बचा है वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि पर ही पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। वो माँ, बोलो नहीं, सुनो, आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। अब वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देबू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहां जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ, वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता हूँ, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान, विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। I'm 200% sure ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना बालवीर, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूं।
हो जा पक्षी। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को। अभी अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या डुबडुबा तुम दोनों उस दिशा में जाओ। हाँ। मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते जाओ। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा प्रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी अभी इसे नीचे उतारती हूँ। ध्वनि परी आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालू पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। I am also surprised. अब कौन सी नेटर चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विमान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है, इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है, इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? hmm.
कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है पालवी। ब्रिगेंजा, तुम अपनी फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूं। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहां से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ, तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। और ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, चलो जल्दी चल के इसे पकड़ते हैं। पूरा गुना मुसीबत। ओ हेलो, तुमने मुझे मुसीबत कैसे बोला? आपको नहीं उसे। अच्छा हुआ उड़ा लिया मैंने पक्षी फिर से, वरना वो रे उड़ा देता मुझे कूड़े से। कूड़ा कूड़ा कहाँ गया वो? अरे अपने छोड़े जा रहे मुझे, अरे अरे पत्ता में पंछी कूड़ा कहाँ गया? इतना बड़ा सांप। अरे पहले फुटबॉल की तरह इधर से उधर उड़ा रहे थे मुझे, और अब ये सांप था बोल के मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रोक रहे? आप आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, आप बड़े एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ ये सांप, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, और मैं वहाँ जाऊँगा तो होगे मेरी तुम्हारी। क्या करूँ अब मैं ये कूड़ा कैसे ढूंढूँ? हमारे विमान उस कोने के अंदर है, और आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, जाइए बचाइए उसे। अरे बट अरे जाइए ना। ओके ओके। अरे हमारे दुश्मन कहाँ है ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर, बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना। हेलो, बोलो। तुम्हें विवान के लैब की कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ 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 दबड़। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाया गोला, तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। Let me remind you, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की, और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन है तो जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे बता क्या आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया, और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया, एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन इसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड। गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो?
दुश्मन से 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। तो क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ धोनी परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ? दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग। चलिए। परी, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं पत्थर मार के सांप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? हम बहुत बढ़िया। जाओ। मैं क्यों? अरे देखो आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो अभी पूरा कर लेंगे। मैं क्यों? देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मार दूँ। नहीं, पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। हाँ क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। जो ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा? अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, यू आर अ जीनियस। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ। अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है, लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। That was so cool, Mr. V. And बिल्कुल right time पर आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। इसके की आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। No, Mr. V. Just give me one more chance. फिर देखें उस बालवी को कैसे डांस करवाता हूँ। अब सब्र नहीं रहे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लोहा गर्म है, अब सीधा और सिर्फ हथौड़ा। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सांप शांत हो गया है, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े होकर म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ, बट कसके कसके इसको।
लॉर्ड विवान, तुम हमें वापस मिल गए। यस। चलो यहाँ से। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे मुझे। सोनी परी, अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे। हाँ? और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा, और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला कहाँ गया? दबू! गोला! गोला मिल गया! गोला मिल गया! गोला नहीं गायब हुआ। ओह गॉड, गोला तो गिर गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। चली गई यहाँ से। गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे बताओ था कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। हाँ चलो ढूंढते। जाओ 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 जाओ। चलो। अंडा ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? ए, मेरे हाथ से नहीं आना, मैं क्या सीख गया? उसके पहले तुम्हारे पास था? मेरे पास नहीं, सांप के पास था। उसके पहले तो तुम्हारे पास था? अरे उसके पहले पंछी के पास था। अब कहाँ है गोला? 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 उस पतेले में। कैसे बताऊं रे, कैसे मैंने आंधी तूफान बिजली सांप से बचाकर संभाल कर रखा था मैंने गोले को, और आखिर में यहाँ आकर इस पतीले में गिर गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? Go get it। आ जाता हूँ, जाता जाता। उसने विमान के गोले को उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। मैं क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना गर्म क्यों फील हो रहा है? लगता है विमान को ढूंढने के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा। अरे देवू भैया, हाई लोग की मुझे पिज्जा पसंद है, लेकिन इस गोली का पिज्जा क्यों बना रहे हो? अंतरिक्ष कर्मी को भगाने का एक ही रास्ता है, मैजिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली गोली तो 2 सेकंड भी नहीं रही। अरे देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए। विमान की आवाज आ रही है, इसका मतलब विमान यही कहीं आसपास है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये प्रभु किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ गया ये गोला? ढूंढो बड़बड़ ढूंढ, जल्दी ढूंढना होगा गोले को, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
गॉड विवान, कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ, कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? अब बड़े के साथ विवान निकल जाएगा। अरे उसे कुछ हो गया ना, तुम देवू से प्लाज्मा कैसे मांगोगे? अरे तुरुप का इक्का भी चला जाएगा और साथ में तुम बन जाओगे बिना काम के जोकर। सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो विवान की आवाज यही कहीं से आ रही, लेकिन वो है कहाँ? अरे देवू भैया प्लीज बचाइए मुझे, देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ, देवू भैया प्लीज आइए और बचाइए वरना मैं आइसक्रीम की तरह पिघल जाऊंगा। देवू भैया, विवान को गर्मी लग रही है और विवान पिघलने वाली गर्मी, मतलब विवान ठीक है? विवान कहीं इस तेल के पतीले में तो नहीं? विवान, विवान, देवू भैया, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ए क्या कर रहा भाई, गरम कढ़ाई है, हाथ जल जाएगा तेरा। देवू भैया, अरे 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 मेरी बात सुन, ये क्या किया तुमने? यहाँ पे कितनी और भी तो चीजें थी ना विवान को बाहर निकालने के लिए। फाइनली ठंडक मिल गई। थैंक यू देवू भैया। आर यू स्टूपिड और व्हाट? ऐसे कौन करता है? बहुत बहुत ज्यादा लग गई होगी ना, पूरा हाथ लाल हो गया है। रुको मैं आइस क्यूब लेके आती हूँ। जरूरत नहीं है। अरे कितना ज्यादा लाल हो गया है। अरे जरूरत नहीं है। अरे चल रहा होगा तुम्हें। अरे जरूरत नहीं है। चुप चुप, एक वर्ड नहीं। लो गया गोला वापस उनके हाथ में। अब अगर हारने पे शर्म आ रही है तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि चले यहाँ से वापस। ये तो सिर्फ इंटरवल था, क्लाइमेक्स में ऐसा ट्विस्ट लेकर आऊंगा कि इनका गेम ओवर हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ कड़वी बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो ये जानकर अच्छा लगा। वो तो तुम फ्रेंड हो इसीलिए फ्रेंड्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर कभी मुझे चोट लगी तो तुम मेरी केयर नहीं करोगे क्या? अब करूंगा ना, क्यों नहीं। दीपू भैया गोला मिल गया। वाह वाह। हाँ कहाँ से मिला? अब कड़ाई में था। कढ़ाई में? अब एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गोला कढ़ाई में? मैंने देखा था तुम आंखें बंद करके किसी से तो बात कर रहे थे। अब मैं वो भगवान से प्रे कर रहा था। हाँ। आंख बंद करके प्रे कर रहा था कि विवान जल्दी से मिल जाए और कुछ नहीं। और ये गोला कढ़ाई में, ये तो मुझे ध्वनि परी ने बताया, उन्होंने ही मुझे मैजिक से कांटेक्ट किया और बताया कि विवान कढ़ाई में। और तुमने ना आओ देखा ना ताओ हाथ कढ़ाई में डाल दिया। ध्वनि परी ने सिर्फ तुम्हें क्यों बताया कि गोला कढ़ाई में?
ये तो वो खुद भी कर सकती थी। अब वो, अरे अनन्या मैं करती भी तो क्या, अब देवू ही सबसे नजदीक था ना पढ़ाई के, और अब हमारे पास समय भी तो कम था। अब समय से याद है, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बाहर निकालने के लिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अब एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ हेलो। बहुत स्मार्टली तुमने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की बालवीर, पर अब तुम्हारी स्मार्टनेस का कोई यूज नहीं, क्योंकि मैं वो की डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। इससे तुम जीतोगे नहीं बल्कि हारोगे। डोंट वरी अबाउट मी, बिकॉज मैं लूजर होकर भी विनर ही रहूंगा, बट यू विल लूज विवान, दैट टू परमानेंटली, बिकॉज जैसे ही मैं इस चाबी को डिस्ट्रॉय करूंगा, 10 मिनट के अंदर जो गोला तुम्हारे हाथ में है वो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। नहीं रुको, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार, बताओ मुझे क्या करना है। पहले ही इंटेलिजेंस दिखाते थे, तुम दोनों का टाइम सेव हो जाता। पहले ही मान लेते कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो मुझे ये फालतू डायलॉग जैसे कि मैं बालवीर हूँ, मुझे हारना नहीं आता, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अभी समय वेस्ट मत करो मेरा, मेरे पास केवल 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बचाने के लिए, तो बताओ मुझे वो प्लास्मा देने के लिए कहाँ आना है। बताऊंगा, बट रिमेम्बर अगर इस बार कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा प्यारा छोटा बालवीर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आई विल डिस्ट्रॉय द की। मंजूर है। कूल, देन कम टू ओल्ड फैक्ट्री, बट हां अकेले आना, अगर किसी को साथ लेकर आए तो पता है ना, आई विल डिस्ट्रॉय द की। ध्वनि परी, मैं भारत नगर के पास वाली फैक्ट्री में जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ साथ में? नहीं ध्वनि परी, हमारे दुश्मन ने मुझे मना किया है किसी और को वहां लाने से, इसलिए आप मेरे साथ मत आइए। लेकिन हाँ, अगर अगले 10 मिनट में मैं वापस नहीं आया तो 11वें मिनट पर आप सब वहां आ जाइएगा। ठीक है बालवीर। मैं नहीं बोल रहा हूं, और ऑप्शन ही क्या था उसके पास। लेट्स वेलकम बालवीर। अगर उसके सामने जा ही रहे हो तो ये तो ये पहन दो, ये लो, काम आएगा। मैं सुपर विलन हूं, कोई जोकर नहीं। गॉट इट? हाँ गॉट इट, मेरे काम आता वो। सब्र रे सब्र, कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से भी हाथ में आई हुई जीत हार में बदल जाती है। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि बिरबा को बालवीर से मिलने जाना चाहिए। नो वे मिस्टर बी, बालवीर के साथ फेस टू फेस मैं ही करूंगा। बालवीर है वो, चाबी मिलते ही पलटवार करेगा। आई नो मिस्टर बी, लेकिन मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। क्योंकि उसका प्लाज्मा आपसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। मैं आ गया हूं अकेले, कहां हो तुम बताओ, कहो। तुम्हारे सामने एंड वॉचिंग यू। सामने तो आ गए लेकिन लगता है शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। हाँ अभी गेम शक्ल का नहीं अकल का है बालवीर, जिसमें फिलहाल मैं क्लियर विनर। जीत की खुशी में खेल खत्म होने के बाद ही मनाता।
Okay then, let the game begin. अभी तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। बिना टाइम वेस्ट किए इस सिरिंज में अपना ब्लड भरता हूं और जिस तरह से ये तुम्हारे पास आया है सेंड इट बैक टू मी। कम ऑन बालवीर, टाइम इज प्रेशियस फॉर यू। ये सीरीज मैं तभी यहां पर रखूंगा जब तुम उस छोर पर चाबी रखोगे, क्योंकि मेरा एक रूल है, एक हाथ दे एक हाथ ले। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट बालजी। लेकिन मेरा भी एक रूल है कि मैं कोई रूल नहीं मानता। लेकिन मैं कभी अपने रूल को टूटने नहीं देता। रिलैक्स बालवीर, मैं यहां तुम्हें रूल सिखाने नहीं बल्कि चाबी लौटाने आया। एंड टुडे नो चीटिंग। कोशिश भी मत करना, क्योंकि चीटिंग करने वाले को मैं बहुत सख्त सजा देता। मैं डर गया। आई एम स्कैर्ड। ओके देन। विवान, विवान, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। विवान, गोला बड़ा हो गया है, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। वाओ देवू भैया, यू आर ग्रेट। भैया आप जल्दी से मुझे इस गोली से बाहर निकाल दीजिए।
नो, अभी तो यही था मम्मी। देख जरा बाहर तो नहीं गया है। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अरे तरह की बनाई हुई चाबी तो कभी नहीं टूट सकती, फिर चाबी कैसे टूट गई? हे भगवान, मेरा विवान घर पे नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, विश्वास रखो। अब तुम्हारे ऊपर दो बहनों के प्यार का कवच है, और तो और दो माओं का आशीर्वाद भी है तुम्हारे पास, तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है ना? हे भगवान, मेरे विवान की रक्षा करना, उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देना भगवान, कोई मुसीबत नहीं आने देना, वरना आप पर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। छोड़ क्यों नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये असली छवि नहीं है, और मुझे धोखा देकर मुझसे मेरा खून ले गया। I had to do this, Mr. B, because मैं नहीं चाहता था कि जैसे ही बालवीर को चाबी मिले वो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सिरिंज को ब्लास्ट करते। I knew कि वो जब तक इसमें उलझा रहेगा तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि विवान अब उस गोले में 20 साल तक कैद रहेगा। यस मिस्टर बी। देखो भैया, अगर मैं इस गोले से कभी बाहर नहीं निकला तो आप प्लीज मां का ध्यान रखना, और हमेशा के लिए डूबा डूबा को विवान बनाकर घर पर रखना प्लीज भैया। और हाँ, मैं पहले आपसे नाराज था पर अब नहीं है। आई लव यू भैया। नहीं विवान, विवान ऐसा मत बोलो। देखो अभी भी मेरे पास एक मिनट है, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चिंता मत करो। ये वादा है एक माँ का आपसे, जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से नहीं देख लेती ना, मैं आपके सामने से हिलूंगी नहीं। पर अपनों से भी ज्यादा प्यार करती है मां मुझे,
उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना देवु भैया। नहीं विवान, विवान नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। विवान ये। मेरे खून से ये चाबी जुड़ गई। फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे विवान को बाहर निकालना चाहिए। विवान, विवान तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। विवान, तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या किया नहीं किया, मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ। आई नो भैया, क्योंकि आपको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। विवान, क्या हुआ? विवान उठो, विवान, ये सब तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास मैजिक पावर्स नहीं है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए? तुम्हें किसी परी को अपने साथ लेके आना चाहिए था ना? लगता है मुझे शौर्य से संपर्क करना चाहिए। अरे मैं क्या करता, उससे कहा था कि अकेले आना, तभी मैं तुम्हें चाबी दूंगा। अब उससे बोला तो मुझे वो रूल्स ही फॉलो करने पड़े ना, थोड़ी ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता था। लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं ना? देखो ये उठ ही नहीं रहा है। विवान, विवान उठो, उठो विवान। विवान उठ जाएगा। विवान, विवान आंखें खोलो। विवान होश में आओ, विवान, विवान होश में आओ। शौर्य ये देखिए विवान को क्या हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, विवान 12 घंटे गोले के दूषित वातावरण में रहा है, इसलिए बाहर आने पर बेहोश हो गया है, पर कुछ देर में होश आ जाएगा विवान को। देखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुड। अब ध्वनि परी डुबा डुबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। अब आप वे लोग जा सकते हैं। मैं विवान को घर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। शौर्य मैं बहुत खुश हूँ कि विवान 20 साल तक उस गोले में बंद होने से बच गया, और इस बात की संतुष्टि भी है कि बालवीर को ये पता नहीं चला कि ये वही गोला था जो जयकास ने बनाया था। ये निश्चिंत होने का समय नहीं है बालपरी, वो बालवीर है, वो किसी भी समय अपने अतीत के तार इससे जोड़ सकता है। सितारों की दशा बता रही है कि बालवीर का अतीत दोबारा जागने वाला है। कहीं विवान ही वो सूत्र ना बन जाए जो बालवीर को उसके अतीत से जोड़ दे। स्वामी,
स्वामी जल्दी शुरू कीजिए, बुरे काम में देरी क्यों? इस बार तो सब्र मुझसे भी नहीं हो रहा ब्रिगेंजा। इस दिन के लिए मैंने कई सालों से इंतजार किया है। जैसे ही बालवीर का खून रे की नसों में दौड़ने लगेगा, रे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा और उसके बाद तुम्हारे सामने दो बालवीर तो क्या, 100 बालवीर भी टिक नहीं पाएंगे। मिस्टर बी, नाउ आई कैन मूव माय हैंड। अब मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोनों बालवीर खत्म होंगे मेरे इन हाथों से। विवान, विवान, क्या हुआ विवान को? ये ठीक तो है ना? हाँ माँ, विमान ठीक है। अब आपके आशीर्वाद का कवच जिस पर हो उसे कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर ये बेहोश क्यों है? अब वो एक्चुअली माँ हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो इसीलिए से बैट लग गया। आई मीन बॉल, बॉल बॉल कैसे लग गई? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे बैट पे बॉल लगी और बॉल हवा में उड़ रही थी। विमान उसे कैच करने ही वाला था लेकिन तभी डिहाइड्रेशन की वजह से उसे सनस्ट्रोक हो गया और विमान बेहोश हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी है। अभी वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है भगवान का, मेरा दिल तो बैठ ही गया था, अब मेरा भी। विवान, माँ तू ठीक है? हाँ, मैं बाहर और मैं आ जा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। फैमिलीज को ऐसे ग्रुप हग करते रहना चाहिए। देबू, तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, पानी क्यों नहीं पिलाया इसे? माँ, मैं तो पानी पिला ही रहा था इसको, लेकिन ये कहाँ हाथ में आता है इतनी आसानी से। आज आ गया तो मैं इसे वापस लेकर आया। आप ही इसके काम कीजिएगा, डांटिए इसे। इसलिए कहती हूँ विवान, पानी पी बेटा। पर तू सुनता कहाँ है मेरी बात? अब ना मुझे इनाम लगा के हर आधे घंटे में पानी पिलाना पड़ेगा तुझे। अभी मैं
नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ओके। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान। बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलेंज को जो चाहिए था क्या वो उन्हें मिल गया? जैसे आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे।
Ray is coming for you. Cause cry or pray, nahi chodega Ray. तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया फिर से? बस बस मैं सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं मैं सच्चे, अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रंट जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा भूल गया, कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। लेकिन माँ कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे, अरे पी। वेरी नाइस। देवू का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाय के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का, और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। साबिक, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा, तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि मां के पानी का अलार्म बजे, चुपचाप यहां से निकल ले विवान। ये तूने अच्छा नहीं किया, पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए, क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे? ये डूबा डूबा भी ना, हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है कोई ना कोई रिटर्न प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। मामा अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझ कर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुरा कर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हार्ट से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार एक बार तो खा ले, फिर वापस हार्ट की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा, और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी, तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ 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 देखू तू। देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ गलत लिखा है। हाँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है, क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है, तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बज गए। वैसे दीपू भैया कहाँ हैं?
देवू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देवू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों हो? सैड नहीं हूँ विमान, बस सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया, और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना, वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विमान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे। आपका 2 किलो पौवा हो? ए दिवाली, हाँ? तो मस्त हवा है ना, मजा आ गया। नहीं हाँ, हाँ, वो हवा नहीं स्टॉर्म है। तो हाँ हाँ, स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। ए पद्मिनी बहन, मैं क्या बोलती हूँ, हाँ? एक सोलर बिचार आया हो क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मुकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ने? हाँ। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी। जरूरत ही नहीं है। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना, मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान ये मजाक करने का समय नहीं है। एक काम करो, तुम वे लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। या, आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे 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 ये किसी बड़े तूफान जाने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जैसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट। बालवी, स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं, 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो, मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। मां, अब घर चाहिए।
बार किस किस को बचाओगे बालवीर? लेकिन भैया जब तक हम दोनों साथ हैं, हम इस टॉर्नेडो को और इस टॉर्नेडो को लाने वाले को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस टॉर्नेडो की मैजिकल पावर्स को चेक करना चाहिए। नहीं विवान, शक्तियाँ चेक करने से पहले हमें भारत नगर के सभी लोगों को अपने अपने घर सुरक्षित भेज देना चाहिए। चलो जाओ अरण्या, जाओ। चाहिए दीदी। मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आई हूँ। हाँ धोनी परी, आप जाइए। मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ। ये जाल कहाँ गया? अरे भैया आपको जाले की पड़ी है, यहाँ रूपा आ चुका है। भैया जल्दी घर जाइए, जान बचती तो लाखों का है। लौट के बुद्धू घर को आए? हाँ जाइए। बुद्धू किसको बोला? अरे भैया घर जाइए, तूफान आ गया है। तूफान तूफान तूफान। बेटा तुम ठीक हो? हाँ अपने घर जाओ। अंदर जाइए, आप अंदर ही जाइए। अंदर ले जाओ विवान। आंटी आप लोग अंदर आइए, अंदर जल्दी जाओ। हाँ अंदर ही रहना। बालवीर, ये बवंडर तो चला गया। हाँ लेकिन अगर हमें इसकी असली शक्ति जाननी है तो इसका पीछा करना होगा। चलो विवान। आखिर दोनों बालवीर मेरे सामने आ ही गए, देखता हूँ कैसे टैकल करते हैं मुझे। इस बुरी शक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ वार करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति दो गुना होगी और उसका असर 100 गुना होगा। यू आर राइट भैया। ओ फायर पावर, अब रे तुम्हें दिखाएगा। ये क्या भैया, ये तो आपका मॉन्स्टर बन गया। इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी वाटर पावर से मेरी फायर को बुझा देंगे? तुम दोनों बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो पानी का दानव बन गया, ये कैसे हो गया?
ब्रे तुम्हारे अटैक का जवाब तुम्हारे अटैक से ही देगा। जिस मिशन के लिए आया था वो कंप्लीट हो गया। बाय बाय बालवीर्स, सी यू सून। इस पूरी शक्ति के पास हमारे हर बार का जवाब है। वाह, मैं शौर्य से मिलने वीर लोग जा रहा हूँ, तुम भी बाकी सबको सुरक्षित करके वहां पहुंच जाना। ओके भैया। शौर्य, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे खून से बना हथियार इतना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। बालवीर, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने जो कुछ भी किया वो विवान को बचाने के लिए किया, पर अंत में जीत अच्छाई की ही हुई आज। नहीं ध्वनि परी, ये सब कहना आसान है लेकिन शौर्य, उसकी और हमारी शक्ति बिल्कुल बराबर थी। नहीं हमारी जीत हुई, नहीं उसकी। ऐसे तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा बालवीर, उस बुरी शक्ति को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका शौर्य? बताता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बीस साल लग गए मुझे तुम्हें कवक के अंडे से बाहर निकालने में और तुम्हें महाशक्तिशाली बनाने में, और तुम पहली जंग हार के आ गए। 20 साल पड़े पड़े दिमाग को जंग लग गया इसके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आई डिडंट लूज मिस्टर बे, एंड रिमेंबर, रे की पॉलिसी अटैक की है, डिफेंस की नहीं। पर तुम्हारा रिजल्ट तो सही नहीं आया ना रे। रे और दोनों बालवीर की लड़ाई कोई 2020 का मैच नहीं। जो भी खेला और अभी रिजल्ट सामने आ गया। तो फिर इस खेल का परिणाम तुम ही हमें समझा दो। मैच ड्रॉ हुआ है मिस्टर बी, ना वो जीते ना मैं हारा, लेकिन हाँ अब मेरे पास एक एडवांटेज जरूर है। कैसी एडवांटेज? अब मैं उनके पावर के लेवल को प्रॉपरली जान चुका हूं, एंड लेट मी टेल यू आर इक्वली पावरफुल। अगर दोनों की ताकत बराबर है तो उन्हें हराओगे कैसे? ऑफ कोर्स हराऊंगा मिस्टर बी। कैसे? और शक्तियां कहां से लाओगे तुम रे? आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर्स लेडी पीरबा, मुझे बस उनकी पावर्स को कम करना है, मैं ऑटोमेटिकली उनसे पावरफुल हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भारत नगर चलो ब्रिगेंसा, सब समझाता हूं। अच्छा चलो चलते। थैंक गॉड यहां सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, बस थोड़ी बहुत चीजें टूटी है। नहीं तो मैं अपने मैजिक से भी ठीक कर सकता हूँ। मालिक आपको तो अंदर फेंकना है, जाना है। I guess यहाँ पर कोई बहुत ही डेंजरस तूफान आया था। हाँ आया था, बट क्या है ना यहाँ करंट काफी ज्यादा है इसलिए फिर रिटर्न हो गया। ए तू क्या करता है? You never know,
फिर से आ जाए और परमानेंटली यहीं रुक जाए तो? मतलब भारत नगर इज ओल्ड, थोड़ी सी रिपेयरिंग एंड ऑल का काम चाहिए और फ्यूचर के लिए, राइट? रॉन्ग, हम सब यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपको भारत नगर की इतनी फिकर क्यों हो रही है? I'm worried about you. You all. After all, मैं यहीं रहना होगा एंड मेरे लिए रेंट ज्यादा नहीं है। वैसे तो आपको तूफान है नहीं, इसलिए जब तक आप यहाँ कोई तूफान खड़ा नहीं करेंगे आप आराम से रह सकते हैं। कुछ भी चीज टूटा ना तेरे पैसे में से काट लेगा मैं। तू जानता है भाई कौन है? कौन है? आपकी नौकर? तो छोटा और जुबान लंबी, नौकर किसको बोला रे? मैं रिया का पार्टनर। या इज माय किचन पार्टनर, आई मीन हेल्पर समझ लो। ओके। क्या क्या तुम क्या कर रहे हैं? वेलकम टू भारत नगर। वैसे यहाँ सभी लोग काफी अच्छे हैं, स्वाब भी सबके साथ पीसफुल ही रहना। तुम लोग पीसफुल ही ना रह सको इसीलिए तो मैं आया हूं भारत में। खैर, उस बुरी शक्ति को हराने की तरकीब है परम धनुष। परम धनुष? परम धनुष? लेकिन शौर्य, परम धनुष का इस्तेमाल तो हमने कलयुग के अंत के लिए बचा कर रखा था ना? हाँ बालपुरी, पर अगर इस बुरी शक्ति का अंत नहीं किया गया तो कलयुग के अंत से पहले अच्छाई और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। पहले कि कोई तुम्हारी टक्कर की बुरी शक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुम पे हावी हो सके, इस परम धनुष से तुम्हारी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अपनी बुरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे 9 दिनों में 9 अच्छाइयों की आहुतियां देनी होगी। नवरात्रि के अगले 9 दिन तुम्हें जितना हो सके अच्छाई बढ़ानी होगी दुनिया में, क्योंकि जब अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई अपने आप छोटी और कमजोर हो जाएगी, और जैसे जैसे अच्छाई वीक होती जाएगी हम अपने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। उसके बाद टक्कर बराबर की नहीं रहेगी, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। यस मिस्टर बी, देन ऑन द 10th डे मैं बन जाऊंगा कलयुग का रावण, 10 यूवल सिर वाला रावण। दुनिया का ग्रेटेस्ट पावरफुल विलन। और 10वें दिन जब विजयादशमी का दिन होगा तुम दोनों बालवीर इस परम धनुष से बुराई के रावण का अंत करोगे। आज से शुरू होता है अच्छाई की जीत का हमारा मिशन, मिशन विजयादशमी। जय माता दी।
यू नो आई एम सो हैप्पी कि तुम फाइनली भारत अगर में रहने आ गए हो। तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। सच में? यस। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। हमेशा मेन बात बोलने से पहले गायब हो जाता है। बात बताओ मुझे, सब लोग को तुम्हारे साथ डांस करना है, ऐसा क्या है तुझे जो मुझ में नहीं है? दिमाग यू फूल, वैसे भी मैं अनाश नहीं हूं, नचाने आया हूं। फूल? फूल कहने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरी सुगंध के हिसाब से मैं कौन सा फूल हूँ? शट अप, डांस पे नहीं प्लान पे फोकस करो। देखे देखे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। त्रिशूल कहाँ गया? वो ये यहाँ गिर गया था, वही उठा रहा था। धन्यवाद। वो क्या है ना, त्रिशूल के बिना माता की मूर्ति अधूरी लगती है। आखिर इसी से ही तो माता रानी बुराई का अंत करती है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अवश्य शुरू करता हूँ। आप तो जानती हैं हमारा मिशन माता रानी। तो हमें आशीर्वाद देना माँ कि हम अपने मकसद में कामयाब हों और आपकी अखंड पूजा को अच्छे से पूरा कर पाए और परम धनुष का आह्वान करके बुराई का अंत कर पाए। कितनी भी प्रेयर्स कर लो आज तुम दोनों बालवीर, लेकिन एंड में पावर्स ईविल की ही पड़ने वाली है। प्यार से बोलो, जय माता दी। मूर्ति स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया, अच्छाई की तरफ पहला चरण पूरा हो गया है। अभी खुश होने का समय नहीं आया है, हमने जीत की तरफ सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, जीत हासिल नहीं की है।
इसके अंदर अच्छाई के बीज हैं, जिन्हें आरती के समय पंडित जी की लाई हुई मिट्टी में बोना है। इन्हीं 10 बीजों से निकले पौधे जिस तरह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, अच्छाई की ताकत बढ़ती जाएगी। ध्वनि परी, बीज की ये पोटली बालवीर को दे दीजिए। लेकिन याद रहे, ये बीज धरती पे कहीं गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि गिरते ही ये बीज खंडित हो जाएंगे। इन्हें हर हाल में सीधा मिट्टी में ही बोना है। आप सब धरती पर सावधान रहना, वो बुरी शक्ति कभी भी वार कर सकती है। ठीक है बालबन। अरे कहाँ मर गया वो रे, कहीं बालवीर के डर से भाग तो नहीं गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ये कौन सा अजूबा है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।